नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित दीक्षित और सिलेक्शन मेंटर पे एक बार फिर से आपका हमेशा की तरह स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपने देखा कि हमारी सिंप्लीफिकेशन की क्लासेस चल रही हैं और इसमें मैं आपको बेसिक सिखा रहा हूं, तो कल की क्लास में आपने क्या सीखा था? कल की क्लास में आपने सीखा था फ्रैक्शन वैल्यू, यानी भिन्न के क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो आज भी उसी को कंटिन्यू रखते हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी करवाते हैं हम कुछ क्वेश्चन हम आपको ऐसे भी करवाते हैं जिसमें भिन्न के अलावा यानी एक्स लगता है। कुछ बच्चे एक्स मान के करते हैं, हाँ, कुछ बच्चे विदाउट एक्स करते हैं। तो बच्चा जरूरी नहीं कि सबको एक्स आता हो, तो बिना एक्स के भी हम कैसे करते हैं। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन जो हमेशा पूछे ही जाते हैं वो हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला क्वेश्चन अपना, जिसको हम करेंगे फ्रैक्शन में। देखिए क्वेश्चन क्या है, लिखा है एक पुस्तकालय में 1/5 भाग किताबें हिंदी की हैं। एक पुस्तकालय था जिसमें से 1/5 भाग किताबें हिंदी की हैं तथा शेष का 1/2 भाग किताबें अंग्रेजी की हैं और शेष 9,000 किताबें अन्य भाषाओं की हैं। तो पुस्तकालय में अंग्रेजी की कुल कितनी किताबें हैं? पुस्तकालय में अंग्रेजी की कुल कितनी किताबें हैं? जरा देखिए, देखिए जरा, कह रहा है एक पुस्तकालय में 1/5 भाग किताबें हिंदी की हैं। 1/5, फ्रेंड्स एक जी बताइए। कल हमने आपको क्लास में बताया था कि भैया 1/5 भाग किताबें हिंदी की हैं। काहे की हैं? हिंदी की, हिंदी। हमने आपसे कहा था ऊपर वाली वैल्यू वो होती है जिसको हम शो करते हैं और नीचे वाली वह होती है वैल्यू टोटल। टोटल का मतलब समझ रहे हैं आप? टोटल यानी टोटल का मतलब कुल। अब सोचो 1/5 भाग किताबें हिंदी की हैं, तो अब जब 1/5 भाग किताबें हिंदी की हैं तो बचेगी कितनी? जब 5 में से 1 जाएगा यानी बचेंगी 4/5। कितनी बची है? 4/5 शेष। और क्या बोल रहा है हमसे? कह रहा है तथा शेष, शेष क्या है? यही 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 शेष, ये 4/5 शेष की 1/2 भाग। भैया 1/2 भाग का मतलब होता है आधा। क्या होता है? आधा। यानी अगर शेष का 1/2 भाग है, यानी जो दूसरा भाग इसका शेष बचेगा वो भी तो 1/2 ही बचेगा। जरा आप सोचो, अगर अगर हम कहें कि 5 रुपए का 1/2 भाग दे दो तो कितना बचा? तो तुम कहोगे अरे 1/2 ही तो बचा, यानी आधा दे दिया तो आधा ही बचा। तो भैया जितना वैल्यू इसका होगा उतना ही वैल्यू इसका होगा। अब देखो क्या कह रहा है, शेष का यानी शेष 4/5 था, तो कह रहा है जो शेष था उस शेष का 1/2 भाग किताबें अंग्रेजी की हैं, यानी 1/2 भाग किताबें अंग्रेजी यानी इंग्लिश हम लिख लेते हैं, ठीक है? अच्छा, इंग्लिश लिख लिया। कह रहा है और शेष 9,000 किताबें अन्य भाषाओं में। तो भैया जब ये निकल जाएगा तो शेष यही तो बचेगा, यानी इनकी वैल्यू कितनी है? 9,000। 9,000। अब आप सोचो, आधा ये आधा ये, तो दोनों की वैल्यू तो सेम ही हुई ना। तो अगर 9,000 ये होंगी तो हमारे हिसाब से 9,000 तो ये भी होंगी, 9,000 ये है तो 9,000 ये भी होंगी। तो बस पूछ क्या रहा, पुस्तकालय में अंग्रेजी की किताबों की संख्या 9,000, आंसर आ गया। देखिए कितना इजी था। अब 30 सेकंड देख के एक बार समझ लीजिए और हम रिवाइज करवा देते हैं, फिर से आप समझिए हम रिवाइज करवाते हैं। लिखा है एक पुस्तकालय में 1/5 भाग किताबें हिंदी की हैं, ठीक है? 1/5 भाग किताबें हिंदी की हैं, ठीक है? वो 1/5 हमने लिखा, जिसमें से एक क्या था हमारा, वो जो शो कर रहा है यानी हिंदी। बचा क्या हमारा? 5 में से 1 गया तो क्या बचा? 4, यानी 4/5, ठीक है? ठीक है। अब कह रहा है तथा शेष, शेष हमारा यही तो है, ये है शेष। कह रहा है शेष का 1/2 भाग किताबें अंग्रेजी की हैं, तो ये देखो 1/2 अंग्रेजी की हैं तथा शेष 9,000 किताबें अन्य भाषाओं की। शेष 9,000 किताबें ये हो गई अन्य भाषाओं की। तो जब आधी अंग्रेजी की है, शेष 9,000 अन्य भाषाओं की, तो शेष नहीं कहलाएंगी, शेष कहलाएंगी आधा। क्या कहलाएंगी? आधा, आधा। तो जब उनकी संख्या 9,000 है, ऑब्वियसली इसकी संख्या भी 9,000 होगी, ठीक है? चलो हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखते हैं जरा, देखो क्या कह रहा है। कह रहा है एक पिता अपनी संपत्ति का को 3 पुत्रों में बांटता है, ठीक है? और कुल संपत्ति का सबसे बड़े पुत्र को आधा भाग देता है, आधा मतलब 1/2 समझिए, और सबसे छोटे पुत्र को 1/3 भाग तथा मध्यम पुत्र को 1/12 भाग मिलता है तथा शेष राशि 300 हो तो पिता की कुल संपत्ति बताइए।
ठीक है, पिता की कुल संपत्ति। आपको याद होगा कल एक क्वेश्चन कराया था जिसमें एक लड़का था अमन, अमन अपने सैलरी का कुछ भाग यानी 1/8 भाग भोजन पर खर्च कर रहा था, 3/10 भाग यात्रा पर और कुछ भाग 5/15-14 ऐसे कुछ मकान के किराए पर खर्च कर रहा था। सेम वही क्वेश्चन है, ठीक है, तो देखो जरा सेम वही क्वेश्चन। पहले इसके खर्चों को जोड़ लेते हैं जो बांट दिया उसने, ठीक है। तो उसने क्या किया, कह रहा है कि सबसे बड़े पुत्र को आधा, बच्चा आधे का मतलब 1/2, ठीक, और सबसे छोटे पुत्र को 1/3 यानी 1/3, और कह रहा है मध्यम पुत्र को 1/12 यानी 1/12। तो यानी ये प्लस और ये, तो हम प्लस करके देख लेते हैं भैया, 12, 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा, 12 ही होगा, ठीक है। 2 से डिवाइड किया 6 बार तो 6 1 जा 6, 3 4 जा 4 1 जा 4, 12 1 जा, यानी 6 4 10 और 1 11/12। फिर वही बात आ गई, नीचे का हिस्सा क्या होता है टोटल, और ऊपर का हिस्सा क्या होता है जिसको वो शो कर रहा है कि उसने इतना कर दिया, कर लिया, हो गया। इसका मतलब, इसका मतलब ये उसके द्वारा दी गई राशि है, दी गई राशि, दी गई राशि 11 रेशियो में, और बचा कितना है 1, और बचा कितना है 1 रेशियो, या और रुपयों में कितना बचा है देखो 300, ठीक है, यानी 1 = 300। जब 1 = 300 तो भैया कुल संपत्ति पूछ रहा है, तो 12 = 3600 लो आंसर आ गया। कितना आसान प्रश्न है, बड़े आराम से कर लिया, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं जरा अगला प्रश्न, देख रहे हैं जल्दी से, ठीक है। और आप लोग रिवीजन जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में पर्टिकुलर वो क्वेश्चन लगा दीजिएगा, सर वो फिर से बता देना, हम बता देंगे, ठीक है। देखो बहुत बढ़िया प्रश्न है, ये प्रश्न अधिकतर पूछा जाता है और स्टूडेंट एक्स लगाते हैं, एलिगेशन लगाते हैं, लेकिन नहीं, हम एलिगेशन भी नहीं लगाएंगे और एक्स भी नहीं लगाएंगे, आप ऐसे ही सोचो, ठीक है। प्रश्न क्या है समझो, एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गायें हैं भाई, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो दो प्रकार के प्राणी होंगे जिनमें से कुछ के 2 पैर होंगे और कुछ के 4 पैर होंगे, ठीक है। अच्छा कह रहा है यदि सरों की संख्या 48 है यानी टोटल सर 48 है और पैरों की संख्या 140 है तो मुर्गियों की संख्या बताइए, किसकी बतानी, मुर्गियों। अब आप समझिए, पहले हम लिखते हैं फिर प्रूफ भी करते हैं, ठीक है। देखो जरा, एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गायें हैं, देखो कुछ भी हो सर तो उनके सेम ही होंगे ना, सर तो सेम ही होंगे ना, एक 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 एक, एक सबके तो एक ही एक सर होगा। तो आप एक काम करो, 48 सर, ठीक, ऐसे समझो। अच्छा कुछ के 4 पैर हैं, कुछ के 2 पैर हैं, तो मैं एक काम करते हैं सबको 2 पैर पहले दे दो, कितने दे दो, 2 पैर, 2 पैर दे दिया, गुणा कर दिया, ठीक है, कितना हो गया 96। इससे पता क्या पता चला, मुर्गी को, मुर्गी को पैर मिल गए, पैर दे दिया गया, दे दिया गया, यानी मुर्गियों को मुर्गी के पैर मिल गए। अब समझो, जब मुर्गियों को मुर्गी के पैर हमने दे दिए क्योंकि 48 सर थे, अब इसी में मुर्गी है इसी में गाय है, तो दो दो पैर मिल गए, ठीक है, मुर्गियों, और गाय को भी 2 ही पैर मिले, अभी पैर बचे हैं गाय के, कितने, 2 बचे हैं हर गाय के। अब देखो टोटल पैर जो थे, टोटल फीट हमारे पास थे कितने, 140, 96 तो हमने भैया बांट दिए, कितने बचे हैं 44 शेष, और ये शेष 44 किसके हैं, गाय के, किसके हैं, गाय के, जिनको 2 पैर नहीं दिए थे। अब हर गाय को तुम जब 2 पैर दोगे, हर गाय को 2 पैर दोगे तो भैया कितनी गाय होंगे, 22 गाय, पता चल गया गाय कितनी है 22। जब गाय 22 है, अब आप सोचो जब गाय 22 है तो देखो 48 टोटल जानवर थे टोटल सर, और 22 गाय हैं, तो देखो जरा कितनी मुर्गी निकल गई, 26 कितनी हो गई, 26 मुर्गी, ठीक, 26 मुर्गी हो गई। अब समझिए, आप प्रूफ भी कर सकते हैं, कैसे प्रूफ हम करा दे रहे हैं, देखो जरा भैया 26 मुर्गी, ठीक, यहां लिख दे रहे हैं प्रूफ, 26 मुर्गी, 1 मुर्गी के 2 पैर कितने हो गए 52, ठीक है। अच्छा कितनी गाय 22, 1 गाय के 4 पैर, 22 चौको 88, देखो 8 2 10 की 0 80 लगा 1 8 6 14, प्रूफ हो गया भैया, प्रूफ, ठीक। एक बार और समझ लो, हम समझा देते हैं जल्दी से। सबसे पहले जितने सर हैं, ठीक है, सर रहने दो, हर प्राणी को 2 2 पैर दे दो, दे दिया, देखो 2 2 पैर दे दिया, कितने पैर बट गए 96, तो मुर्गी को मुर्गी के पैर मिल गए,
बचे कितने? गाय के पैर। अभी दो दिए, दो बाकी हैं, एक हर गाय को देना। टोटल पैर कितने थे? 140। 96 तो बट गए, बचे कितने? 44। यही तो पैर है 44 जो शेष है गाय के। तो एक गाय को अब दो पैर देने हैं, तो बताओ बांटेंगे तो 22 गायों में बट जाएंगे, मिल गए 22 गाय। और टोटल सर से घटा दो भाई, एक गाय का एक सर तो 22 गाय के 22 सर, तो घटा दिया 26 मुर्गी आ गई। ठीक, 22 गाय निकल गई भाई, यहाँ क्या था? कुल जानवर। ठीक, 22 गाय तो मुर्गियों की संख्या। सेम अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, आप करके दिखाइए। देखो पढ़ो, एक फॉर्म में गाय और मुर्गियां हैं, ठीक है, यदि सर गिने जाए तो 180 है, टांगे गिने तो 100, 420 है, तो गायों की कुल संख्या। और आसान है, कुछ नहीं, बहुत सरल भाई। सर कितने हैं? 180 सर। हर जानवर को दो पैर दे दो, दे दिया दो पैर, कितना हो गया? 18 दूनी 36, 360 पैर बट गए, बांट दिए गए। अरे क्वेश्चन है, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है, बांट दिए गए, बांट दिए गए 360। अब एक बात बताओ, 420, 420 कुल कुल पैर थे, और जिसमें से 360 बांट दिए गए। ठीक, बांट दिए गए, कितने बचे? 0, 12 में 6 गया 6, 60 ही तो बचे शेष, और ये किसके हैं? गाय के। तो जब एक गाय को अब हम कितने पैर देंगे? दो, तो 60 पैर बटेंगे 30 गायों में, गायों की संख्या आ गई। लो कितनी? 30 गाय। और जब 30 गाय, 30 गाय तो मुर्गी भी समझ लो कितनी। ठीक है, अब प्रूफ कर लेते हैं। देखो प्रूफ कैसे, 30 गाय, एक गाय के चार पैर, तो देखो 120 पैर। ठीक है, मुर्गी, अब जब 30 गाय होंगे तो भैया 150 तो मुर्गी होंगी, 150 मुर्गी होंगी, 150 मुर्गी, एक मुर्गी के दो पैर, तो कितने हो गए? 300 पैर, कितना हो गया? 420। लो आंसर आ गया, कितना सरल प्रश्न है। ठीक है, तो आप गलत नहीं करना, एक बार रिकॉर्डिंग देख लो। ठीक है, तो हम अगला क्वेश्चन कर रहे हैं जल्दी से, बिना समय को बर्बाद। आहा, प्रश्न पढ़ो। लिखा है, एक नियोक्ता यानी एक कोई अधिकारी होगा जो नियुक्ति करता है, एक नियोक्ता है, एक श्रमिक को काम करने के लिए प्रत्येक दिन 20 रुपए का भुगतान करता है, बहुत बढ़िया, और उसके प्रत्येक दिन आलस के लिए 3 रुपए काट लेता है। ठीक है, 60 दिनों के अंत में एक श्रमिक को सिर्फ यानी 280 रुपए मिलते हैं, तो कितने दिनों तक श्रमिक आलसी रहा? आलसी रहा। इसमें से भैया कुछ चीजें तुम्हारी क्या है? छूटी है। क्या है? कुछ चीजें छूटी है। कैसे? आप समझो, इस कह रहा है इसका मतलब, देखो कुछ चीजें अंडरस्टूड होती हैं जो आपको समझना होता है। क्या कह रहा? एक नियोक्ता एक श्रमिक को काम करने के लिए प्रत्येक दिन 20 रुपए दे रहा है। अरे 20 रुपए दे रहा, बढ़िया है, और प्रत्येक दिन आलस के 3 रुपए काट रहा है। ठीक है, एक 60 दिन के अंत में श्रमिक को 280 रुपए मिलता है। अब मेरी बात समझो भैया, अगर आप देखो, अगर आप देखो, समझो यहां पर, अगर आप देखो प्रतिदिन, प्रतिदिन रुपए 20, और 60 दिन उसने काम किया है, 60 दिन, पता है कितना पैसा मिलना चाहिए था उसको? उसको पैसा मिलना चाहिए था 1200। ठीक, 1200 मिलना चाहिए था, चाहिए था, लेकिन मिल कितना रहा है ये भी सोचो। मिल रहा है उसको 280 मिलता है, 280 मिलता है। ठीक, आप घटाओ, देखो कितना पैसा कट रहा है, घटाओ जरा, 2 और 9, 920 रुपए काट लिया जाता है, काट लिया जाता है, तो पॉसिबल नहीं भैया। अगर 3 रुपए से अगर हम उसके आलस के काट रहे हैं, तो 60 दिन में तो 180 कटेगा, 220 क्यों कटा? ये अंडरस्टूड होता है कि आपको समझना पड़ेगा कि उसने छुट्टी ली है, और कह रहा कितने दिन उसने छुट्टी ली है। यानी बात समझिए, बात समझिए, यहां पर क्या है मसला? ये है कि छुट्टी के 20 रुपए कटते हैं, साथ ही ₹3 एक्स्ट्रा आलस के लिए, कि तुमने छुट्टी की, आलस के लिए कटे एक्स्ट्रा, समझ गए? कटते हैं, ये समझिए आप,
ये तो आप सोचिए, आप एक दिन छुट्टी का, एक दिन छुट्टी का 20 प्लस 3 23 रुपए कटते हैं उसके, 23 रुपए कटते हैं, 20 प्लस 3 यानी 23 रुपए कटते हैं। ठीक, अच्छा कितने रुपए कटे हैं? 920। 23 से डिवाइड करके आप देखो, 23 फोरजा यानी 40 दिन उसने काम को छोड़ा है, 40 दिन वो काम पे नहीं आया, 60 दिन की नौकरी में 40 दिन काम पे नहीं आया। ठीक है बच्चा, इसमें बहुत सी चीजें नहीं लिखी हैं, बैंक में अक्सर ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं जो अंडरस्टूड होते हैं, कुछ ऐसी चीजें जो आपको दी ही नहीं होती हैं, आपको देखना पड़ता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप दोबारा देखिएगा, रिकॉर्डिंग पे देखिएगा, आपको कई बार समझ में आएगा, और क्वेश्चन का कलेक्शन लगा अपने पास रखिए, आगे और भी क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। बहुत बढ़िया प्रश्न, बहुत अच्छा। कह रहा है 14 लड़कों के बीच एक राशि वितरित की गई। ठीक है, क्या किया गया? एक राशि वितरित की गई, तो उनमें से प्रत्येक लड़के के द्वारा प्राप्त राशि 80 रुपए थी, 80 रुपए अधिक थी। ठीक है, 80 रुपए अधिक थी, जब उसी राशि को 18 लड़कों में समान वितरित किया गया। बहुत ध्यान समझना, तो कह रहा वो राशि क्या थी। अब मेरी बात सुनो, ठीक है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। इस प्रश्न को आपको हम दे रहे हैं HW पे। क्या HW? ये आप हमको करके बताएंगे, कब? कल वाले आप रिस्पॉन्स करेंगे कमेंट बॉक्स में कि सर इसका आंसर ये आ रहा। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, चलो हम आगे देख रहे हैं भाई। हाँ चलो, इस वो वाला क्वेश्चन आपको करना है और बताएंगे जरूर। चलिए देखो, एक स्कूल ग्रुप एक जैसी 3 बसें भाड़े पर लेता है, यानी किराए पर। ठीक है, और 4/5 सीट घेर लेता है। बहुत बढ़िया, घेर लिया। ठीक है, 1/4 यात्रियों के चले जाने के बाद, ठीक है, शेष यात्री केवल 2 बसें इस्तेमाल करते हैं, केवल 2 बसें इस्तेमाल करते हैं, 2 बसें। ठीक है, अब 2 बस में घेरी गई सीटों की भिन्न क्या होगी? भिन्न क्या होगी यानी संख्या भिन्न में बतानी। समझिए, आप देखिए जरा, समझिए बच्चों, आप कुछ मान सकते, आप कुछ भी मान लो, अगर भिन्न में देखो, नंबर से नंबर निकलते हैं। कल जैसे हमने आपको बताया था कि रुपए अगर दिए होंगे तो ही रुपए निकलेगा, उसी तरह से अगर नहीं दिया है तो आप भिन्न में तो बता सकते हो। ठीक है, आप सोचो, माना एक बस की सीट, कुछ भी मान लो भाई, एक बस की सीट 5, 10, 15, 50, 100, कुछ भी, हमने 100, ठीक है, माना एक बस की सीट 100। बहुत ध्यान से समझना, कुछ मानना सबसे आएगा। ठीक है, अच्छा कह रहा है, और कितनी बस ली है? 3। तो भैया 100 × 3 बस, ठीक है, तो टोटल सीट जो हो गई हैं वो हो गई हैं 300। ठीक, टोटल सीट क्या हो गई है? 300। अब आप मेरी बात समझिए, 300 बस हो गई, 300 सीटें, सॉरी, और इसमें 4/5 सीट घेर ली जाती है। सबसे पहले ध्यान समझना, 4/5 यानी 4/5 यात्री ही आ पाए। कैसे? देखते हैं, 5 60 यानी कितना? 240 यात्री ही इसमें आ पाए। ठीक है, यानी 4/5 सीट ही घिर पाएंगे। कितनी? 240। इसका मतलब एक चीज पता चल गई है कि 240 यात्री थे, कुल थे 240 यात्री कुल थे, समझिए। ठीक है, कुल थे। अब क्या कह रहा है, इन 240 में से 1/4 यात्री चले गए, 1/4 चले गए, तो 3/4 बचे होंगे, तो देखते हैं 3/4 यानी चौथा हिस्सा 60 चला गया, तो 180 बचेगा, लेकिन फिर भी देखते हैं। ठीक है, 180 बचे, 180 बचे, अब समझना, 180 बचे। अब एक बात बताओ, 180 बचे, अब मेरी बात समझो, अब क्या हुआ, शेष यात्री केवल 2 बसें इस्तेमाल कर रहे हैं, 2 यानी 2 बसें यानी 200 सीट, 2 बसें बराबर 2 बसें।
ठीक है, दो। लेकिन यात्री कितने हैं? 180 यात्री। अब ठीक है, तो भिन्न में क्या होगा? 180 बटे 200, जीरो गया। 2 9 जा 2 10 जा, आंसर आपके 7। ठीक है, अब आप कुछ भी मान सकते हैं, नो डाउट कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, बसों की संख्या, सीट की संख्या कुछ 50 मान लेना, बेशक उत्तर आएगा। एक बार रिकॉर्डिंग देखना, समझ में। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ चीजें आपको बताते हैं, क्वेश्चन नहीं, कुछ ट्रिक बताने हैं हमको। आपको ट्रिक क्या, कोई एक चीज, एक ट्रिक बता रहे हैं हम, आप समझिए। आपको बता रहे हैं हम वर्ग, जैसे पहली क्लास में बताया था वैसे ही वर्ग निकालना, लेकिन ये ट्रिक है वर्ग निकालना। क्या? जिनका प्रथम अंक 5 हो। क्या हो? 5 हो। ठीक, बस ध्यान रखना ओनली, यानी केवल इन्हीं के लिए है जिसका प्रथम अंक 5 हो। देखो जरा, यानी कौन कौन सी संख्याएं आ सकती हैं? 51, ठीक है, ये क्या हो सकती है? 52। क्या आ सकती है? 53। क्या आ सकती है? 54। क्या आ सकता है? 55। क्या आ सकता है? 56। क्या आ सकता है? 57। क्या आ सकता है? 58। देखो स्टूडेंट, इन सबका प्रथम अंक 5 ही है, और ध्यान रखना। देखो ये सारे चीजें याद करना इसलिए जरूरी है, बैंक में सब काम आता है। ठीक है, हाँ, ट्रिक में देखो, सबसे पहले एक चीज आपने फर्स्ट क्लास में पढ़ी होगी कि 2 का स्क्वायर 0 4 और 3 का स्क्वायर 0 9 होता है। ठीक है, अब देखो जरा कैसे करते हैं। इन सब का प्रथम अंक 5 है, क्या करना है? कुछ नहीं करना है, 5 का स्क्वायर निकालिए 25, और आगे वाला नंबर जोड़ दीजिए। 25 में 1 जोड़ो, क्या होगा? 26, बस। और 1 का स्क्वायर 0 1, ये लो। फिर देखो 52 का कैसे, 5 का स्क्वायर निकालो, किसका? 5 का, कितना होगा? 25। 25 में आगे वाला नंबर जोड़ दो, ठीक, 25 और 2 27, और 2 का स्क्वायर उसी 2 का स्क्वायर 0 4, जो आगे नंबर लिखा है उसी का स्क्वायर। ठीक है, जो जोड़ना है उसी का स्क्वायर। 53 का, 5 का 25, 25 में 3 जोड़ो 28, और 3 का स्क्वायर 0 9। ठीक, देखो फिर से, 5 का स्क्वायर कितना? 25, 5 का स्क्वायर 25, 25 में 4 जोड़ो, 5 का स्क्वायर 25, 25 में 4 जोड़ो, कितना हो गया? 29, और 4 का ही स्क्वायर कितना होगा? 16। 55 का, 5 का 25, 25 में 5 जोड़ो, कितना हो गया? 30, 5 का स्क्वायर 25। अब देखो 56 का, 5 का 25, 25 में 6 जोड़ो, भैया कितना हो गया? 31, और 6 का 36। ठीक है, 5 का कितना हो गया? 25, 25 में 7 जोड़ो, कितना हो गया? 32, और 7 का 49। 5 का कितना होगा? 25, 25 में 8 जोड़ो, 33, और 64। ठीक है, 59 का, 5 का कितना होगा? 25 होगा, और 25 में 9 जोड़ दो जरा, कितना होगा? 25 में 9 जोड़ोगे तो होगा 34, और 9 का। ठीक है, तो बस इनको इसी में लगाना, ट्रिक काम आएगी आगे। ठीक है, और आप रिवीजन करना, जो ना समझ में आए पूछिएगा। आप देखिएगा डिस्क्रिप्शन में आपके पास व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, तो आप उसमें भी कंप्लेन कर सकते हैं, अपना जो भी समस्या है उस पे व्हाट्सएप पे आप बता सकते हैं। ठीक है, कोई भी समस्या हो आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत हो, कोई क्वेश्चन ना आए आप उसमें कर दीजिए, सब हम तक पहुँच जाएगा। ठीक है, बस, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार।